और देखिए, अमेरिका और इसराइल को ईरान की तरफ से धमकी सामने आ गई। ईरान की तरफ से कहा गया है कि परमाणु प्रोग्राम से अगर रोका गया तो काफी बुरा अंजाम होगा। जो बाइडेन के परमाणु हथियार बनाने से रोकने वाले बयान पर ईरान अब काफी ज्यादा भड़क गया है और इसी के बाद इसराइल और अमेरिका को लेकर यह बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के इसराइल पहुंचते ही ईरान और अमेरिका के बीच नई दुश्मनी की कड़वाहट घुल गई। बाइडेन की धमकी के एक दिन बाद ईरान ने अमेरिका को खुलकर ललकारा और कह दिया कि अमेरिका की कोई भी गलती का ईरान बहुत कड़ा जवाब देगा। एक टीवी इंटरव्यू में बाइडेन ने ईरान को धमकाते हुए कहा था कि अगर ईरान ने खुद अपने परमाणु कार्यक्रमों को नहीं रोका तो सैन्य बल का इस्तेमाल करके ईरान को रोक दिया जाएगा। बाइडेन की धमकी के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को धमकाते हुए कहा कि मैं अमेरिका और उनके सहयोगियों से कहता हूं कि ईरान इस क्षेत्र में किसी भी संकट या सुरक्षा को स्वीकार नहीं करेगा और इस क्षेत्र में की गई किसी भी गलती पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसराइल पहुंचे बाइडेन और इजरायली पीएम यर लैपिड ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक साझा संकल्प जारी किया है। इसके जवाब में ईरान ने साफ कर दिया कि ईरान अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की असुरक्षा को स्वीकार नहीं करेगा और इसका माकूल जवाब देगा। और हैती में राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की बरसी के बाद से दो गुटों में संग्राम छिड़ा है। चार दिन से जारी हिंसा में अब तक 89 लोगों की जान जा चुकी है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही। कैरिबियन कंट्री हैती इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्प्रिंग में पिछले चार दिन से जारी गैंग वॉर में अब तक 79 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार की नाकामी की वजह से हैती में आर्थिक संकट का दौर शुरू हो गया है। खाद्य और तेल की बढ़ती कीमतों के बाद लोग सड़कों पर हैं और जगह जगह आगजनी की जा रही है। हिंसा का ये खेल राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या की पहली बरसी के बाद शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हैती में G9 और G-PEP नाम के दो गैंग अपने अपने इलाके में कब्जे के लिए हिंसा पर उतारू है। यही वजह है कि लोग अपने घरों में कैद है और उन्हें जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा है जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। हैती के सिटी सोलेल शहर में हजारों लोग फंसे हैं जो भूखे प्यासे हैं। हैती में यूएन पीसकीपर्स 2004 से हालात संभालने में लगे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके हैं। अब हैती के लोगों ने भी कह दिया है कि उन्हें यूएन पर भरोसा नहीं है। इससे पहले चीन के एतराज के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में अपने राजनीतिक मिशन की अवधि बढ़ाने पर होने वाले मतदान स्थगित कर दिया है। इस बीच गिरोहबाजी से उपजी हिंसा, अपहरण और हत्या की वजह से आम लोग परेशान हैं।